आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कंटिन्यू डिवीजन मेथड. इस मेथड का यूज़ हम लोग फैक्टर HCF निकालने के लिए करते हैं. किसी भी कोई भी नंबर्स अगर हमको दिए हैं और उनका HCF हमको निकालना है, सो वी कैन यूज़ दिस मेथड. इसके पहले हम लोगों ने फैक्टर मेथड पढ़ा हुआ है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है. फैक्टर मेथड में हम एक लाइन में सारे फैक्टर्स लिखते थे और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वॉज द आंसर, वुड बी द आंसर. और उसके बाद फैक्टर मेथड में हम सारा फैक्टर्स उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते थे और उसके बाद जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते थे उनका प्रोडक्ट क्या होता था हमारा फैक्टर. कंटिन्यूड डिवीजन मेथड में तीन नंबर हैं, चार नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, फर्स्ट सेकेंड या इन दोनों को कोई सा भी. मैं ले रही हूँ, जैसे मैंने इसको फर्स्ट कर दिया, इसको सेकेंड कर दिया, इसको थर्ड कर दिया, मैंने इसको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक अरेंज कर दिया. मैं ले रही हूँ सबसे बड़े नंबर को, सबसे बड़े नंबर को आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय 7. आई विल डिवाइड 175 बाय 70. हाउ मेनी टाइम्स आई शुड काउंट द टेबल ऑफ 70? टू टाइम्स. इट विल बी 140, 35. नाउ दिस इज द रिमाइंडर बिकॉज इट इज़ लेस देन द डिवाइजर. सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. सो वॉट वी विल डू, वी विल डिवाइड द डिवाइजर, द इनिशियल डिवाइजर बाय दिस रिमाइंडर. सो हाउ मेनी टाइम्स आई विल काउंट द टेबल? 35 टू ज़ा 70. मतलब अगर हम 175 और 70 का HCF देखें तो हमको क्या है, क्या मिलेगा? 35 विल बी द HCF ऑफ 175 एंड 70. मगर अभी हमारे पास एक नंबर और बचा हुआ है, 105 को भी हम किससे डिवाइड कर देंगे? 35. क्यों? क्योंकि 35 से डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर क्या मिला था? 0. तो अब हम जो बचा हुआ नंबर है उसको हम 35 से ही डिवाइड करेंगे. कितनी बार में? 3 बार में 105. सो रिमाइंडर कितना आ गया? 0. तो हम लिखेंगे HCF इज 35.